बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। Wish you all the best. Thank you. लाल जी आस्ट। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आया। माँ कैसी है? सरला कैसी है? चारों बच्चे हैं। माँ तो आजकल बनारस में रहती है अपने भाई के पास, सरला ससुराल में। सरला की बेटी काफी बड़ी हो गई होगी, क्या उम्र हुई होगी उसकी? यही करीब 8 साल। 8 साल? हाँ बेटा, वक्त भी तो बहुत गुजर गया है। माँ और सरला दोनों ही आ रही हैं आज तुमसे मिलने। चलो। अरे मनीषा, तुम यहाँ? हाँ, जेल के अंदर तो तुमने किसी को आने नहीं दिया, इसलिए बाहर इंतजार करती रही। अच्छा, तो इतने दिन तुम मेरा इंतजार करती रही? हाँ विकी, इतने दिन। और इसके अलावा अंकल ने मरते समय तुम बिल्कुल नहीं बदले मनीषा, तुम भी तो एकदम वैसे ही हो विकी, एक बाल भी सफेद नहीं हुआ, शांत गंभीर, बिल्कुल कोई फिलोसफी के प्रोफेसर लगते हो। क्या बात कर रही हो, ये खूनी। बस बस बस, आओ आइए पेपर लाल जी। कौन है रे, रोज यहाँ आता है? ये बहुत पैसे वाला रामुंडा महाराज, इहदे प्यो दी बहुत वड्डी फैक्ट्री है बंबई दे विच। हाँ, करोड़पति है। करोड़पति? करोड़पति है तो गरीबों के मोहल्ले में क्या कर रहा है? सोमो है ना, सोमो। ये चौधरी साहब का लड़का, उसका जिगरी दोस्त है। चौधरी साहब के गुजर जाने के बाद घर का सारा खर्च यही चलाता है, इसे कहते हैं दोस्त। दोस्त मत बोल, सोमो उसका चमचा होगा, चमचा। नहीं यार, असली दोस्त है। वकालत पास करके दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक ही साथ खाते पीते उठते बैठते आवारागर्दी करते हैं। अच्छा, आवारागर्दी भी करते हैं? माँ, तुम तैयार नहीं हो क्या? हाथ धो के तैयार हो रहा है, अभी आता ही होगा। चाय पिएगा? अगर जल्दी मिल जाएगी तो पी लूंगा। अभी लाती हूँ। अबे सोमू, अरे तू अभी तक कॉलेज नहीं गई? पहले कॉलेज जाने की फीस लाओ। मेरे तिल के लड्डू कहाँ हैं? अरे सरला, एक डिब्बे में भर के दे दे इसे। अरे नहीं माँ, अभी सीधे ऑफिस जाना है, डब्बे भर के लड्डू दे देगी तो काम क्या करूंगा, अच्छी खासी नौकरी चली जाएगी। फिलहाल ऐसा करो, 10-20 लड्डू हाथ में ही दे दो। हाँ लाती हूँ। लाओ ले। अच्छा बेटा, काम काज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है माँ, बस थोड़ा सा और सीख लें दो, उसके बाद देखना हम दोनों अपना अलग से ऑफिस खोल लेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन खुद काम करोगे तो मुकदमे कहाँ से ढूंढोगे? ये लो। अरे हम लोग कोई ऐसे वैसे वकील थोड़ी ना है माँ, मुकदमे तो खुद हमें ढूंढा करेंगे। हाँ। और अगर मुकदमा नहीं मिला तो तुम सोमू भैया पे केस कर देना और सोमू भैया तुम पे। अरे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। माँ
मैं इसे जितना बेवकूफ समझता था उतनी तो ये नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। मां मुझे क्या मालूम था ये उल्लू भी यही पहन के आएगा। और ये देख मां जुड़वा खड़ी है। हाँ, एक उस उल्लू की एक परी। चले विकी, क्या पहले कपड़े बदल क्या, नहीं तो बैरिस्टर के सामने दोनों जम्बूरे लगेंगे। जा। पुलिस का बयान है कि लाश को कमरे में सड़ते हुए 96 घंटे यानी कि 96 आवर्स हो चुके। ये बात तय है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो लाश डाकू राम सिंह की थी? बल्कि एक चीज से यही शक पैदा होता है कि वो लाश किसी दूसरे की, और वो चीज है लाश के हाथ पर बंधी हुई घड़ी, जो उस वक्त भी चल रही थी जब पुलिस ने लाश को देखा। कोई घड़ी बगैर चाबी दिए 96 घंटे तक नहीं चल सकती। ब्रिलियंट साहब। हाँ, ब्यूटीफुल। प्रॉपर्टीज की लिस्ट तुमने बनाई थी ना? जी जी हाँ, दिखाओ मुझे। जी वो गिव इट टू मी, आई सेड गिव इट टू मी। प्लीज लीव माय ऑफिस इमीडिएटली, आई सेड गेट आउट। ओके ओके। यूजलेस फेलो। सुनो ये सर, खाली बैग इन मिनट, और जो मैंने बताया है उसे लिख कर रखो। मुझे कहीं जाना है, कल तक प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार होनी चाहिए। डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं चलूं? ओके। पिज़्ज़ा ये फाइल ले लो और टाइप करके रखो। गुड बाय सर। बाय। गुड बाय मिस पिज़्ज़ा। ब्रिलियंट बॉय, देखना एक दिन बहुत बड़ा बैरिस्टर बनेगा। एक्सक्यूज मी सर, डू यू मीन बैरिस्टर और आर्टिस्ट? व्हाट डू यू मीन? यार मैं तो हैरान ही रह गया। क्यों? उस टकलू ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया और तू वहाँ बैठा रह गया। यार बैरिस्टर का ऑफिस है, हर काम लीगली करना पड़ता है, इससे पहले मैंने रिजाइन किया। लेकिन विक्रम, उस टकले का फ्यूचर यानी कि भविष्य बिल्कुल अंधकार में। क्यों? देखना, तेरा और मेरा रिश्ता एक मुजरिम और गवाह का, जो कभी अलग नहीं हो सकता, और जो वकील ये नहीं जानता वो मुकदमा क्या खाक लड़ेगा। वाह रे बरखुदा, चाचा गालिब के बाद तू ही पैदा हुआ है। चाची ये यहाँ गिरा हुआ। चाची कवाली और अबे कवाली नहीं, गजल यार। हाँ गजल, एक गजल और। हाँ बेगम, एक गजल हो जाए। हाँ हाँ होगी होगी, जरूर होगी, लेकिन आपके जाने के बाद। आप क्या कह रहे हैं हजरत, इस महफिल में तो हर शौकीन को शिरकत करने का शरफ हासिल। देखिए नवाब साहब, इतनी शुद्ध उर्दू अपने को नहीं आती। अरे सीधी सी बात है, बिना मुस्कुराए खड़े हो जाओ, वरना तुम्हारी लाहौल बिला कुवत। लाहौल बिला कुवत। आप बैठ जाइए नवाब साहब। अरे तुमको कहा ना, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। आपसे कहा ना तशरीफ रखिए। अरे चाची गाना तो हम दोनों अकेले बैठ के सुनेंगे। हाँ चल बैठ, खड़ा हो जा, खड़ा। ये क्या उठक बैठक लगा रखी है, मैंने कहा ना बैठ जाइए। ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे यहाँ से इसका बाप भी जाएगा। अरे चाची क्या लगा बच्चे अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे रास्ते में फिरते हुए, आया बड़ा साला कहीं का।
तू जाएगा कैसे? क्यों, टैक्सी में? नहीं नहीं, मैं तुझको टैक्सी में नहीं जाने दूंगा। तो मैं क्या करूं, पैदल जाऊं? क्यों, मैं क्या मर गया हूं? मैं तुझे नहीं, हर केस नहीं। लेकिन मुझे मालूम है तू मुझे घर पहुंचाने के बाद 80 मील की स्पीड पे गाड़ी चलाएगा और मैं वहां पर टंगा रहूंगा और फिक्र करता रहूंगा कि घर भी पहुंचा कि नहीं, और मेरे पास टेलीफोन भी तो नहीं है। तेरे पास टेलीफोन नहीं? किधर है, किधर है? एक मिनट, एक मिनट। विकी, ये क्या तेरे का टेलीफोन लगा के? देखिए ये टेलीफोन तेरे में लगा, चलो तू सो जा बाबा। सो जा, ठीक है, सो जा। तो माँ वहां पर सारी रात जाकर फिक्र करेगी, करने दो, माँ है ना। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है, माँ फिक्र करेगा। हाँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, माँ को बोल कर आता हूँ। हाँ, तू जा, माँ को बोल के आ, माँ फिक्र करे, मैं सोता हूँ। That's like a good boy। देखिए मैं जाऊँ? तू जा। ओके। Hey, तू जाएगा कैसे? टैक्सी में। मैं तुझे टैक्सी में नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको घूम फिर के वहीं पे बात आ गई ना। अच्छा बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, तू सो जा, चल। ये नहीं, बहुत बुरी बात है, माँ उधर फिक्र करे, तू जा, मैं सो जा, तू जा। तू जाएगा कैसे? माँ, माँ, तू आ गया बेटा? तू यहाँ क्यों सोई पड़ी है? अरे तेरा इंतजार करते करते कितनी बार कहा है कि रात को मेरा इंतजार, तू जा माँ अंदर सो जा। खाना नहीं खाएगा? ना, खाद क्या आया हूँ। अच्छा बाबा, भैया कितनी आसानी से नहीं कह दिया तुमने, माँ ने आज तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, और कुछ नहीं तो कम से कम 50 बार याद किया होगा तुम्हें। अच्छा, माँ ने आज क्या खीर बनाई? माँ तूने खीर बनाई है, बताया ही नहीं। खाएगा? भर कटोरा खाऊंगा। और माँ तू सो जा, सरला के आज ऊपर भेज दे। खाओगी ये फेटी? क्या मतलब? शराब के बाद ये खीर अच्छी लगेगी। मैंने खीर खाने के लिए मंगवाई थी, फेंकने के लिए नहीं। क्या मालूम, सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए मंगवाई हो, घर वालों से तो बस इतना ही रिश्ता रह गया है तुम्हारा। तू इतनी उखड़ी उखड़ी बात क्यों कर रही है रे? भैया शायद माँ तुम्हें ना कह सके, लेकिन मैं उन्हीं के दिल की बात कह रही हूँ तुमसे आज। हो सके तो कोई काम काज करो, अपने घर का खर्चा चलाओ। विक्रम भैया के पैसे पे यूं जीना अच्छा नहीं लगता। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है,
क्या फर्क है विक्रम और मुझ में? भाइयों से बढ़कर है वो आदमी। मेरी जान से ज्यादा प्यारा है। अगर वो हम पर खर्चा करता भी है तो इसमें बुरी बात कौन सी है? क्या वो माँ को माँ नहीं समझता है? बहनों की तरह प्यार नहीं करता तुझसे? मैं तो मैं सब समझती हूँ भैया, लेकिन इससे लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते। लोग ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। बकने दो लोगों को, मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन जब लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं तुम्हारा भाई उसका चमचा है। हाँ हूँ, उनके बाप का चमचा तो नहीं हूँ, तो क्यों लोगों की बातें सुनती है? जाके सो जा, जा। वाह वाह, इसे कहते हैं गाना। अच्छा गा लेता है यार तू। मेरे लिए तो बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, सब तू ही। अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोल। क्यों? अरे अभी तो लोग सिर्फ मुझे तेरा चमचा बोलते हैं, अगर ये सब कुछ सुनेंगे तो तुझे मेरा चमचा बोलेंगे। अरे बोलने दो यार, तेरा चमचा बोलते हैं ना, किसी के बाप का तो नहीं। लेकिन एक बात बोलू, तू सिंगर हो जा, ठीक है? तो फिर तू तबलची हो जा। साथ रहने का ये एक तरीका है कि मैं गाना गाऊं और तू तबला बजाए। अरे तबला तो मैं अभी भी बजा सकता हूँ। अच्छा, सिर्फ ये कि ताल पे नहीं बजता साला। हेलो जी, बॉम्बे से फोन है दिखी के लिए। हाँ जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, वन सेकंड। हेलो, हाँ हाँ दुतिया साहब बोलिए। व्हाट, कब हुआ था? तो उसी दिन फोन क्यों नहीं किया? क्यों हुआ था? लेट अभी कैसे तबीयत है पिताजी? क्या हो पिताजी? हाँ 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 मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ रे? क्या हुआ पिताजी को? दिस ब्लडी मैनेजर, ही इज अ 3 दिन हुए पिताजी को हार्ट अटैक हुए, आज खबर करता है, कहता पिताजी ने मना किया था। साला इडियट, बाप किसका, मेरा या उसका? समझ रहे, एयरपोर्ट फोन कर यार। देखिए ए तू फिक्र मत कर यार, अपना दोस्त है ना उमी, मैं अभी चक्कर चला।